हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पौष माह के पहले प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पर बन रहे शुभ योग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर माह की त्रयोदशी के दिन प्रदोष रखा जाता है। प्रदोष माह शुरू हो चुका है। पौष का महीना भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष का पहला और साल का आखिरी प्रदोष व्रत 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। इस दिन शुक्रवार होने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत होगा। इस दिन व्रत करने से शुक्र दोषों से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं पौष मास के पहले प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी अहम बातों के बारे में। आइए जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष माह के पहले प्रदोष की तिथि होगी 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को। पौष शुक्र प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 दिसंबर शाम 5:35 से रात्रि 8:19 तक। पौष कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 31 दिसंबर सुबह 10:39 पर। पौष कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 1 जनवरी सुबह 7:17 पर। आइए जान लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा का पूर्ण फल प्रदोष काल में पूजा करने से प्राप्त होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पौष माह की त्रयोदशी तिथि 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष होगा। शुक्र प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर विधिवत पूजा करें, संभव हो तो पूरा दिन व्रत करें। अब प्रदोष काल में पुनः स्वच्छ होकर भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब शिव परिवार के समक्ष दीप जलाएं और महादेव को उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे सफेद चंदन, भस्म, बेलपत्र, फल, फूल, पुष्प आदि अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में लगातार शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती कर भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में महादेव को सफेद चावलों से बनी खीर अर्पित करें। आइए बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। शुक्र प्रदोष की शाम को सफेद चंदन को गंगा जल में मिलाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से शुक्र दोष समाप्त होता है और जल्द ही मनोकामना पूरी होती है। अगर किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हो तो उन्हें शुक्र प्रदोष के दिन लाल चंदन की माला से ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। शुक्र प्रदोष के दिन 11 गुलाबी रंग के फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शुक्र प्रदोष के दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन कर एक रुद्राक्ष की माला से ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का जाप करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं। हर हर महादेव।